हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ अ रोस्टिंग वीडियो एंड वीडियो नेम इज ताहिर शाह के फरिश्ते आर नॉट हैप्पी फरिश्ता रिव्यू टेकन फ्रॉम द चैनल सनाज पकेट। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं एक ही ऑप्शन के बारे में। आजकल जो हालात चल रहे हैं, सारे लोग घरों में बंद है, ऐसे मौके पे एक ही ऑप्शन एक ऐसा बेस्ट ऑप्शन है जिसे तुम घर बैठ के डेली अर्निंग कर सकते हो। IQ Option एक ऐसी ट्रेडिंग साइट है जिससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये तुम्हें देता है फास्टेस्ट पे आउट, मतलब जब भी कमाओ उसको फौरन से निकलवा लो। उसके अलावा इसमें ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हें अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट वगैरह देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड लगाओ और ट्रेडिंग शुरू करके डेली अर्निंग करो। तो इंतजार किस बात का है, आज ही ट्रेडिंग शुरू करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीनों प्लान का वादा करके ना हमारी कली हसीना ने कहा कि गाना तो भाई 10 अप्रैल तक पोस्टपोन कर दिया गया, तो तब तक इंतजार करो। मैंने कहा लो भाई, बड़ा कोई ओपी किस्म का गाना आ रहा है, I2Y और एंजल का भी नेक्स्ट इलेवन होगा। कोई नहीं, खैर हम कर लेते हैं इंतजार, इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। सही लेंगे थोड़ा सा भाई, गाना 10 को आया और आते ही छा गया, अभी ट्रेंडिंग नंबर 5 पे है। ऊपर से जैसे कि तुम लोगों को अंदाजा है ये कि आजकल हम यूट्यूबर्स के पास कॉन्टेंट की ऐसी ही शदीद किल्लत है, जैसे मेरे घर के पास वाली मार्केट में टॉयलेट पेपर की सब ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहे। हमारी करली हसीना ने 10 अप्रैल को बॉम्ब गिराने के नारे लगा के एक छोटा सा पटाखा मारा, वो भी मुंह से। इस गाने के ना लिरिक्स स्टार्ट होती है, पहले आता है फरिश्ता, जिसको सुन के सारे फरिश्ते कहते होंगे फिर आता है इंसान, जिसको सुन के सारी इंसानियत कहती है असुरा, फिर दोबारा से आता है फरिश्ता, जिस पर सारे फरिश्ते दोबारा से कहते होंगे ना। वीडियो में मुझे ताहिर शाह की नीली आंखें नजर आई, ना करली बाल नजर आए, ना ही तबाही किस्म के कॉस्ट्यूम्स नजर आए, और ना ही कोई नए लिरिक्स सुनने को मिले। लेकिन ना इसमें भी ताहिर शाह का बड़ापन है। मेरी भी दूर दराज की रिश्तेदार है जिसको इंग्लिश कब समझ नहीं आती, वो मुझसे पूछती रहती थी कि सना एंजल गाने का मतलब क्या है, मैं उसको क्या खाक बताती। मेरी तो अपनी ही इंग्लिश इतनी वीक थी कि मैं पेपर के एंड में तल्ले मिलते लिख के आती थी कि तेनों खुदा दा वास्ते इनको पास कर दे, तो मैं क्या उसको एंजल का मतलब समझाती। तो इस इनकन्वीनियंस को मद्देनजर रखते हुए ना ताहिर शाह ने अपने एंजल के लिरिक्स उठाए, उसको गूगल ट्रांसलेट में डाला, उसका उर्दू तर्जुमा निकाला, पुराने म्यूजिक में अपनी सुरीली आवाज में ट्रांसलेशन गाई, और ये सब करने में करली हसीना को पूरे 4 साल लग गए। इस आदमी ने 4 साल ले लिए इस गाने के लिरिक्स को उर्दू में ट्रांसलेशन करने के लिए। चलो अच्छा है, मैं तो कहती हूँ इस गाने को चाइनीज, कोरियन, अरबिक और बाकी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया जाए तो सही है ना, खाली हम इस आदमी को क्यों भुगतते हैं, बाकियों को भी भुगतना चाहिए। चलो गाना बर्दाश्त हो भी गया, लेकिन हमारी तस्वीरी आंखें करली हसीना को देख नहीं सकी। म्यूजिक वीडियो में उठा के एनिमेशन डाल दी है, एनिमेशन भी वो जो फ्री में बन जाती है, ऐसी कितनी वेबसाइट है जो फ्री में एनिमेशन बना के देती है, मतलब इस गाने में इस बंदे ने 1 रुपया खर्च नहीं किया। एनिमेशन को अगर तुम गौर से देखोगे ना तो ताहिर शाह ने किसी गरीब एनिमेटर से बनवाई है जिसको पैसों की जगह ना थोड़ी सी कोकेन का नशा करवाया गया है। जितनी सस्ती हो सके उतनी सस्ती एनिमेशन बना। तभी वीडियो में शुरू में एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है जो कि गेट के बाहर जाके यूं खड़ा हो जाता है जैसे लोफर लफंग के छुट्टी के टाइम गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। अगर कोई पूछे तो कह देते हैं कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूं। फिर कब सिरप पे हाई बच्चा जो एक ड्रोनी हंसी हंसते हुए घोड़े के पास जाता है तो इंतजाम होता है कि घोड़े के तो डेल ही नहीं है, मतलब घोड़े की आंखों की जगह ही खाली है। फिर ये बच्चा अपने अन्य नबीने घोड़े पे बैठता है और घोड़ा उसको उड़ाता हुआ दूसरी दुनिया में ले जाता है, जहाँ पे मजीद गंदी एनिमेशन, क्रिंज
मुझे शायद दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये करना किसके बारे में था। कहीं बच्चा नजर आ रहा है, कहीं परियां नजर आ रही है, कहीं मदीना घोड़ा नजर आ रहा है, कहीं बहुत सारे गुलाब नजर आ रही है, कहीं बार्बी की शक्ल वाली दो नंबर मरमेड नजर आ रही है। भाई मुझे भी ये वाले नशे करने हैं जो ये बंदा करता है। मैंने इतना ही कॉन्फिडेंस ले लिया मैं खुद में। पूरे गाने में हमारी कली जीना यही कहते हुए मिल रही है कि मैं भी फरिश्ता हूँ, तुम भी फरिश्ते हो, सारे के सारे फरिश्ते हैं, और अगर ये मौत के फरिश्ते ने सुन लिया था तो ये गाना आपका आखिरी गाना होगा। अल्लाह सलामत रखे तो आपने मजीद कैंसर फैलाने इस दुनिया में। बस अगले गाने बताइएगा, एनिमेशन से ना मजा नहीं आता, आपका तो स्वैग ही अलग है। तुम लोग ये बताओ कि तुमने कितनी दफा इस गाने को रिपीट पे लगा के सुना। देखो झूठ मत बोलना, मुझे पता है तुम लोग उसको मुसलसल सुनी जा रहे हो। और इस पूरी एनिमेशन में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था मुझे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना ये गाना, ना मैंने गाना देखा और मुझे हिम्मत भी नहीं है ऐसा गाना देखने की। मुझे भी बताओ और मैं मिलती तुमसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। क्या बात है, वेरी नाइस, गुड, ग्रेट, कमाल ही हो गया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से। बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ बनाई गई है। आप कह लें कि फरिश्ता सॉन्ग जो ताहिर शाह का है उसके बारे में थी वीडियो, और बड़े अच्छे अंदाज के साथ फ़नी, बिल्कुल इंटरटेनिंग और बहुत ही कमाल के तरीके के साथ बयान करके इसकी जो मतलब आप कह लें वजाहत की गई है, मज़ा ही आ गया। मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से वीडियो को देख रहा था, फुल ऑन इंटरटेनमेंट से भरपूर थी और एक तरह से आप कह लें काफ़ी अच्छे अंदाज के साथ बनाई गई कि कमाल हो गया, मज़ा आ गया, और मतलब आप कह लें काफ़ी दिलचस्प और इंटरटेनिंग थी। सना बकेट चैनल की बहुत सारी वीडियोस आप कह लें इनके चैनल पर ऐसी हैं कि जब आप इन्हें देखेंगे तो भरपूर तरीके के साथ एंजॉय कर सकेंगे, और बार बार देखेंगे तो फिर भी इतना ही मज़ा आएगा जितना कि पहली बार। बड़े अच्छे अंदाज के साथ ये वीडियोज़ बनाती हैं, पेश करती हैं चीज़ को बना के, जो कि कमाल ही होता है, मज़ा आता है। और ये भी इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज के साथ बनाई है जो कि मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से देख रहा था, मज़ा ही आ गया इस वीडियो को देख के, कमाल ही हो गया, सुपर, इतनी तारीफ की जाए कम है। और बहुत टैलेंटेड हैं, अभी अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हैं, इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त वीडियोस बनाती हैं कि देख के मज़ा ही आ जाता है। ये भी बड़ी कमाल की वीडियो थी। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू उस वीडियो के हवाले से। इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू शेयर विद मी, आई विल बी एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर प्रीशियस ओपिनियंस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।